मोहब्बत अली सैफी को सपा व्यापार सभा का विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जलीलपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अतहर मोहम्मद अली सैफी को सपा व्यापार सभा के विधानसभा अध्यक्ष चांदपुर के पद पर मनोनीत किया गया। इससे पूर्व मोहम्मद अतहर का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मोहम्मद अली ने सभा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जलीलपुर ब्लॉक में स्वागत समारोह के बाद आयोजित बैठक में ग्राम नवादक के मोहम्मद अली सैफी को चांदपुर विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अतहर ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से जी जान से जुटते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जो गरीब मजदूर किसान व्यापारी के दुख दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री बंपर नौकरियां तथा पक्के मकान देने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मतों में समाजवादी पार्टी को जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। यह तभी संभव है जब हम एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे तथा जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे। वहीं नवनियुक्त चांदपुर विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद अली सैफी ने कहा कि पार्टियों में जो आस्था उनमें जताई है वे उन पर खरा उतरते हुए पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराने के लिए जनता के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। उससे पहले का जो टाइम था वो मायावती का, आप सब जानते हो मायावती ने अपने कार्यकाल में क्या किया ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 2012 आया और हमारे अखिलेश भैया ने शपथ ली तो अचानक ही जितने भी यूपी के लोग थे उनकी निगाहें उम्मीदें आशाएं अखिलेश भैया के साथ जुड़ गई और अखिलेश भैया उनकी उम्मीदों पर मुझे घर पूरी तरह से खड़े क्योंकि पढ़े लिखे हैं आपको पता ही है। उन्होंने इस प्रदेश के विकास करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए सभी लोगों ने उनकी योजनाएं बताई से कोई योजना शुरू की बताकर क्या मिल गया। लेकिन फिर अचानक जैसा क्या हुआ कि 2012 से 2017 तक का टाइम जो यूपी के लिए गोल्डन टाइम था